वेलकम टू yes, you कैसे हमारी टेस्ट सीरीज होगी कैसे उसके क्वेश्चंस होंगे एंड दिस इज आपका पीक टाइम है जब आपको टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट जितना ज्यादा आप दोगे जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे कि ये हमारे मॉक uh, टेस्ट इतने अच्छे हो रहे हैं या हमारे टेस्ट इतने अच्छे हो रहे हैं उतना अच्छा आपका एवेल्युएशन होगा और उतना अच्छा होगा आपका रिविजन ठीक है

जो बहुत ही गुड uh, लेवल पे अच्छे लेवल पे आते हैं वी आर गोइंग टू मेक थिंग्स अवेलेबल टू यू नाउ फॉर दिस लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू हैव आज के क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन क्या है विद रेफरेंस टू रेफर कॉन आर कंसिडर फर्स्ट इट इज लिंक टू ब्राह्मनिज्म एंड टेंट्रिक बिलीफ सिस्टम स्टेटमेंट नंबर टू इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न शोज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनें Third, the Vimana was surmounted by a high tower with a shikhara, which was raised in 19th century. How many of these statements given are correct? देखो, this is something which UPSC is now changing. जो अपना उन्होंने एक सवाल पूछने का तरीका है, जो सवालों को uh, articulate करने का तरीका है, देखिए वो आपको यहाँ confuse नहीं कर रहे, वो आपको confuse कर रहे हैं यहाँ पे. अब वो ये कह रहे हैं कि अब आपके पास जो है 100 percent अवेलेबिलिटी होनी चाहिए नॉलेज की आपको हर चीज़ पिन पॉइंट पता होनी चाहिए तभी जो है ये चीज़ होगी अब सवाल यह है कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे फॉर एग्जाम्पल जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज उसको जो है ना इस फॉर्मेट में आप क्योंकि अब एलिमिनेशन टेक्निक तो काम नहीं करेगी एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए कि कितना सही है कितना गलत है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो कैसे करेंगे ऐसे करेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स

देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इज सी सी सर सी इज ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट कैसे इट ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कोनार्क है जाहिर सी बात है हम ईस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं हम उड़ीसा के कोस्ट की बात कर रहे हैं तो इट इज लोकेटेड ऑन देयर दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है इट इज बिलीव्ड दैट यू नो दिस इज डायरेक्टली लिंक टू ब्राह्मणिज्म एंड टेंट्रिक बिलीफ ये भी सही भी है स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है स्टेटमेंट थ्री की जब बात आती है यस इट वॉज ग्रेस्ट इट वॉज सम वॉट उसका जो है कुछ उसको नुकसान पहुंचाया गया दिस वॉज इन दीरियड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी अर्ली नाइनटीन सेंचुरी सो दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट सो दिस वॉज द क्वेश्चन सो इन हिस्ट्री विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन अब आप इसको कैसे लिंक करोगे आर्ट एंड कल्चर से लिंक करोगे क्योंकि यहाँ उसकी फिलॉसफी की बात आ रही है आप इसको आर्किटेक्चर से बात करोगे क्योंकि उसमें शिखर और इसकी चीज़ आ रही है और लेकिन यह आप उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखोगे कि जहाँ पर उसमें ये भी पूछा जा रहा है कि ये गिरा कब या इसको क्या नुकसान हुआ किस तरीके का डैमेज हुआ तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कैसे आएंगे वो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आएंगे